मीडिया। नमस्कार दोस्तों, ट्रू मीडिया के माध्यम से मैं डॉक्टर दिनेश कुमार। देखिए, ट्रू मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को जो स्वास्थ्य लाभ हो रहा है सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। बीच बीच में बहुत सारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं जगह जगह से, देश नहीं अपितु विदेशों में भी, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, वहाँ पर भी इस प्रोग्राम बहुत बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। और हमारी जो कमर, जो बैकबोन है, इसकी जो बनावट है उसमें अलग अलग कर्व होते हैं। जैसे ग्रीवा, जो गर्दन की हड्डी है, से सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, 7 सर्वाइकल स्पाइन होते हैं, उससे नीचे फिर 12 थोरेसिक स्पाइन होते हैं, फिर उससे नीचे जो हिस्सा है कमर का उसमें लंबर, और फिर नीचे जो है सैक्रम और कॉकिक्स। तो कुल मिला के 33 जो हैं ये हड्डियाँ होती हैं जो हमारी जो है बैकबोन में। और ज़्यादातर जो पेन जो पाया जाता है वो सर्वाइकल स्पाइन और लंबोसैक्रल स्पाइन जो है, ये बड़ा कॉमन सा पेन पाया जाता है। तो मैं जो आज डिस्कस कर रहा हूँ अभी सर्वाइकल स्पाइन के बारे में आपको बताता हूँ। गर्दन में जो है 7 हड्डियाँ होती हैं। तो पहली जो हड्डी है एटलस एक्सिस, जिस पे हम रोटेशन करते हैं नेक का, जो हमारा रोटेशन मूवमेंट होता है। इसके बाद फिर नीचे और हड्डियाँ आती हैं। तो ये जो हड्डियाँ हैं 7 हड्डियाँ होती हैं। एक कारण क्या है कि ये जो सर्वाइकल स्पाइन जो है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो आजकल कॉमन टर्म आप लोग सुनते हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बड़ा आजकल सुना होगा नाम आपने। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इज़ नॉन एज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। शुरुआती जो सूजन आती है पहले गर्दन की हड्डियों में और आसपास की जो मांसपेशियाँ हैं तो वो अकड़ जाती हैं, उसमें स्टिफनेस आती है, पेन होता है। अगर यह स्थिति जो है समय रहते ना की जाए ठीक, तो ये जो है एक सेकेंडरी चेंजेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। आजकल ये बच्चों में भी देखा गया है बहुत कॉमन, पहले ये सब ऐसा नहीं था, लेकिन बच्चे आजकल जो है लेट करके टीवी देखते हैं, ये माताएं बहनें जो लेट करके टीवी देख रही हैं, तो पॉस्चर जो है वो प्रॉपर ना रहने के कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग कर्व्स होते हैं, सर्वाइकल का अलग कर्व होता है, थोरेसिक का अलग कर्व होता है, और नीचे जो लंबर स्पाइन है उसका अलग कर्व होता है, ये अलग अलग कर्व्स होते हैं। तो उसमें अल्ट्रेशन, किसी प्रकार का बदलाव, और वो हमारा जो पॉस्चर ना ठीक होने के कारण, कि हम जो है हमारी आदत है, जैसे कुछ लोग जो है ऐसे कान के नीचे ये लगा के सोते हैं, हाथ रख के सोते हैं, या डबल पिलो लगा के सो रहे हैं, या पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है लोगों का, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस प्रॉब्लम को जन्म देती हैं। अब इसका इवेल्यूशन कैसे किया जाए, इसकी पहचान कैसे हो, तो इसकी पहचान के लिए कुछ एक्सरे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे सर्वाइकल स्पाइन का जो है एक्सरे होता है, एपिलेटरल व्यूज़ वगैरह से उससे हमें पता चलता है, और जो फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी हम इसको रूल आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह होते हैं। अगर ये पेन जो है एक लोकलाइज पेन होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सर्वाइकल के कारण हो, ये हो सकता है मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए किसी वजह से, कुछ झटका आने से, या कोई मस्कुलर लिगामेंट इंजरी वगैरह, किसी प्रकार की जो इंजरी है उसके कारण भी ये हो सकता है गर्दन का जो दर्द है सर्वाइकल स्पॉट। अच्छा, अब इसका इवेल्युएशन हो गया, इसके बाद फिर इसका मैनेजमेंट क्या है। देखिए, अगर जो है पेशेंट को एक्यूट पेन होता है कभी भी, तो ज़्यादा अच्छा है सबसे पहले एक्यूट पेन में हम क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप 10 मिनट जो है बर्फ़ लेकर के उसको किसी भी पार्ट में, जैसे स्पाज्म हो गया मसल्स का, जैसे पेशेंट कोई है कभी झटका लगा, या कभी पॉस्चर के एक पॉस्चर में ही गर्दन रह जाती है, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि एक जैसे वो नेक का मूवमेंट ऐसे लेके आते हैं, गर्दन सीधी नहीं कर पा रहे हैं, नेक का मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशन को हम स्पाज्म कहते हैं, मसल स्पाज्म। तो मसल स्पाज्म के लिए सबसे पहले जो एक्यूट ट्रीटमेंट है वो क्रायोथेरेपी है। तो उसमें 10 मिनट जो है दिन में 2-3 बार अगर हम उसका वो करें, उससे भी रिलीफ हो जाता है, क्योंकि उससे वैस्कुलरिटी बढ़ती है, प्रॉपर जो लोकलाइज वैस्कुलरिटी बढ़ेगी मसल स्पाज्म में वो रिलीफ होगा। दूसरा कारण जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, वन इट हैज़ बीन डायग्नोज एज स्पॉन्डिलाइटिस, उस केस में फिर जरूरी है कि गो फॉर प्रॉपर इवेल्युएशन लाइक एक्सरे इन्वेस्टिगेशन, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन, देन फिजियोथेरेपी अगर वो रिकमेंड करते हैं। और इस केस में अगर आप जैसे कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है, फिजियोथेरेपी अवेलेबिलिटी नहीं है, या ऑर्थोपेडिक या कहीं जो वो एक्सरे के इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करा सकते हैं, तो आप घर पर भी इसको मैनेज कर सकते हैं पहले। तो घर पे मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं मसल्स का। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में एक पिक्चर के माध्यम से आपको बताता हूँ, अभी मैं खुद करके दिखाता हूँ आपको, कि जैसे नेक में पेन है, पैरल स्पाइनल जो स्पाज्म हो गया मसल्स का, ये खिंचाव आ गया मसल्स में, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में क्या करते हैं कि नेक को आपको सपोर्ट देना होता है इस तरीके से, और आपको हाथ से रोकना है नेक का मूवमेंट, और आप
वो फाइव तक काउंट करते हैं, पांच तक गिनते हैं, और गर्दन से आप हाथ को धक्का देते हैं इस तरफ ऐसे, लेकिन हाथ से रोकना होता है। तो इसमें मसल वर्क होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है लेकिन मूवमेंट नहीं होता है, और उसमें यही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पेन जो है, पेन इज़ ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ मसल्स, मसल्स के इंटरलॉकिंग हुई फाइबर्स की, तो अब उसको रिलीज़ करना है। अगर वो मूवमेंट करेंगे तो फर्दर मसल डैमेज होगी या और नुकसान होगा या स्पाज्म बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्रायोथेरेपी मीन्स आइस मसाज या कोल्ड पैक, दूसरा जो टेक्निक मैंने बताया आपको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शंस, फिर दूसरी साइड में भी आप ये करते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शंस में अगेन जो है आपको सिर से धक्का देना होता है हाथ को, और हाथ से रोकना होता है गर्दन के मूवमेंट को, तो ये मूवमेंट करके भी आप इससे रिलीफ ले सकते हैं। तो बहनों भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पॉस्चर बहुत मायने रखता है, आपका जो बैठने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका, लेटने का तरीका, ज़्यादा डबल पिलो ना लगाएं जो भाई सर्वाइकल के पेशेंट्स होते हैं। इसमें कॉमन लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कई बार पेन के साथ साथ कई बार क्या होता है कि जो नर्व आती हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आ रही हैं उस पर भी दबाव पड़ता है, उसमें हाथ में सुन्नपन आ सकता है, झंझनाहट हो सकती है आपको, कंधे से पूरा नीचे तक पेन रेडिएट कर सकता है। इसके अलावा कुछ बहनों भाइयों चक्कर भी आते हैं कुछ पेशेंट्स को, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स जो है सर्वाइकल में पाए जाते हैं। और एक ऑर्थोपेडिकल असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कई बार हार्ट का भी पेशेंट होता है, उसको भी पेन अगर हार्ट से या बाजू में बाएं कंधे में और ये नीचे रेडिएट करता है, तो ये ज़रूरी है कि पहले डॉक्टर की सलाह आप ले लें, बजाय इसके कि आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या कोई और उपचार लें, इससे पहले ये ज़रूरी है कि ऑर्थोपेडिशियन या किसी फिजिशियन की जो है राय ज़रूर लें इस बारे में। और पॉस्चर को मेंटेनेंस जैसे मैंने आपको बताया, और इसके अलावा देखिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ साथ आप जो है कुछ एक्सरसाइज, डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं योग में भी, जैसे जैसे हम ग्रीवा शक्ति विकासक कहते हैं, ग्रीवा भी सर्वाइकल स्पाइन को हम ग्रीवा कहते हैं, तो ग्रीवा की शक्ति को विकसित करने के लिए। लेकिन जब पेन होता है तो सिर्फ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ही करनी है जो मैंने आपको अभी बताया है, उसमें कोई और एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। ग्रीवा शक्ति विकासक में जो है वो नेक की सारी मूवमेंट की जाती है, रेगुलर आप मूवमेंट करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये होता ही नहीं है। आपने कहावत सुनोगी कड़क करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल्वर पड़त निशान, तो पुरानी कहावत है। इसमें क्या है कि जब आप मूवमेंट में रहते हैं कोई भी बॉडी, तो आपके अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आते हैं, जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से रिपीटेड पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप मेंटेन करते हैं, अपने पॉस्चर को मेंटेन रखेंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये प्रॉब्लम किसी भी उम्र तक नहीं होती है। तो बहनों भाइयों, इसी उम्मीद के साथ कि सब लोग जो है प्रॉपर अपना पॉस्चर का ध्यान रखें, अपना जो है डाइट का ध्यान रखें, और जो बहन भाई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस से पीड़ित हैं उनके लिए एक रिकमेंडेशन ये भी है कि प्रोटीन इनटेक जो है वो कम लें, क्योंकि उससे डीजनरेशन ज़्यादा होता है। स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो बहुत जल्दी स्पॉन्डिलोसिस में कन्वर्ट होता है, जो कि सेकेंडरी डीजनरेटिव चेंजेज हैं जिसका कोई उपचार वैसे नहीं होता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो आप फिजियोथेरेपी के द्वारा ले सकते हैं, या कुछ मेडिकेशन वगैरह जो आपको ऑर्थोपेडिशियन वगैरह जो एडवाइस करते हैं डॉक्टर, उसके माध्यम से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।